इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? इसमें आपको जो है 2D बनाना है, ये जैसा एज इट इज है वैसा इसके ऊपर ऊपर 2D बनाना है। ये जो सेकंड वाला कमांड है, ये वाला सिलेक्ट करेंगे हम, इसको ओपन करने के बाद सेकंड वाले कमांड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? ये जो सेकंड वाला कमांड है कर्विंग कमांड, ऑप्शन पे जाएंगे और सेकंड वाले कमांड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? कमांड को सिलेक्ट करने के बाद कोई एक पार्ट, ठीक है, एक पार्ट हमें सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी है, ये वाला भी है, तो किसी भी हमें एक पार्ट को सिलेक्ट करना है और उसको इस तरह से बनाना है, कर्विंग को क्लिक करके इस तरह से बनाना है, इसके ऊपर ऊपर इस तरह से क्लिक करना है और इस वाले पार्ट को बना लेना है। कर्विंग को छोड़ने के लिए राइट क्लिक करेंगे हम, ये तो आपको पता ही होगा, पिछले क्लास में बताया था। ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, अब ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के लिए भी आपको इसी कर्विंग से आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंड पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर ही ठीक कर्विंग बना रहे हैं, अब यहां से इसको अलग हो जाना है, इस तरह से हम बना लेंगे, ये दो पार्ट हो गए, ठीक है। पिक्चर को हाइड कर लेंगे हम, ताकि हम अपनी जो कर्विंग है उसको देख पाए। हाइड करने के बाद हमने इसे बना तो लिया, अब इसे स्मूथ बनाना है। स्मूथ कैसे बनाएंगे, रिबिल्ड कमांड के बारे में बताया था, कमांड सेलेक्ट करेंगे रिबिल्ड का और इसे हम पॉइंट्स बढ़ा देंगे। देखिए एक येलो कलर का आ रहा है और एक ब्लैक कलर का आ रहा है, ठीक है। येलो कलर का मतलब ये हमारा बनाया था हमने कर्व, ठीक है, और ब्लैक कलर का मतलब है ये कर्व रिबिल्ड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये कर्व खराब हो जा रहा है, जैसा हमने बनाया था वैसा ये कर्व नहीं आ रहा, ये कर्व खराब हो जा रहा है, तो इसका पॉइंट्स हम बढ़ा देंगे। इसका पॉइंट्स हम, इसका कितना था, 14 पॉइंट्स था, 14-15 कर लेंगे इसको हम, देखो थोड़ा सा खराब हुआ है, 16 कर लेंगे, 17 कर लेंगे, 18, जितने ज्यादा हम पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे ये उसी शेप में एज इट इज आता रहेगा, ठीक है। देखो 25 है अभी, इसको हम 30 40 कर देंगे, देखो जैसा था ये वैसा ही आ गया है कर्विंग, ठीक है। तो हमें क्या ट्राई करना है, अब कर्विंग ज्यादा तो हो गई, पॉइंट्स ज्यादा हो तो होगा इसके, तो ओके कर देना है। अब हम पॉइंट्स ऑन करेंगे, ठीक है, कीबोर्ड पर F10 दबाएंगे, F10 नहीं है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स ऑन का कमांड है यहाँ पर हम दबाएंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट्स ऑन। अब देखो इसके 40 पॉइंट, कितने सारे पॉइंट्स आ गए, बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब एक एक करके अगर हम इसे मूव करेंगे इस तरह से, इस तरह से अगर हम मूव करके बनाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि इसे जब हम रिबिल्ड करेंगे ना, इसे हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसे जब हमने रिबिल्ड किया था ये 14 पॉइंट का था, तो हमने इसे 14 पॉइंट का था, इसे हमने 40 से रिबिल्ड किया, तो कम से कम पॉइंट हमें लेना है, ये हमें कोशिश करना है। जितने ज्यादा कम पॉइंट होंगे उतनी आसानी हमें कर्विंग को ठीक करने में लगेगी, ठीक है। इतनी डिटेल में बता रहा हूं, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, रिपीट देखना, वीडियो खत्म होने के बाद एक और बार ही देखना, ठीक है। ये रिबिल्ड कैसे करते हैं ये आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। रिबिल्ड कमांड हमारे तरफ से क्लियर हो चुका है, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना, किस तरह से करना है वो मैं आपको डिजाइन भेजता रहूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहना, मुझे अपडेट देते रहना डेली का, ठीक है। चलो हम इसे पॉइंट्स ले लेते हैं, 14 का पॉइंट्स था तो हम इसे 16 का ले लेते हैं, 16 का ले लेते, चलो 16 का लेने के बाद हम इसे स्मूथ बना देंगे कुछ इस तरह से, इस तरह से स्मूथ बना देंगे, ठीक है। अब पिक्चर को हम अनहाइड करोगे, अनहाइड करेंगे पिक्चर को, देखिए अब आप बोलोगे कि जैसे पिक्चर में है वैसा तो हमने कर्विंग नहीं बनाया, ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे,
हमें कर्विंग को स्मूथ बनानी है। पिक्चर तो एक आइडिया है कि हमको इस तरह से डिजाइन बनाना है, क्लियर। हमें कर्विंग को स्मूथ बनाना है। पिक्चर फ्रेम तो हमने ले लिया, अब एक आइडिया मिल गया है हमें कि इस तरह से बनाना है, अब उसको खुद से स्मूथ बनाना होगा। ठीक है, इसे भी हम कर लेते हैं। 17, 18, 19, 19 से करते हैं, पॉइंट्स ऑन करते हैं और इसको स्मूथ बनाएंगे। अभी आपको सिर्फ 2D पे फोकस करना है, ठीक है। 2D आप स्मूथ बनाओ। अब सर जी कैसे बनाना है वो आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे सीखोगे। प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे, थ्योरिटिकली कुछ नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो ये हमारा स्मूथ बन गया है कर्विंग, पिक्चर को हाइड करेंगे। अब ऐसे ही बाकी सारी कर्विंग को आप बनाओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे तुरंत बताओ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।